हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th। आज हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी के अंदर, हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 2, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज, वो है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन का मतलब है कि पोलन ग्रेन्स जब रिलीज होते हैं स्टैमेन से और फिर पिस्टल तक पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, कैसे इंट्रैक्शन होता है, कैसे वो इंट्रैक्ट करते हैं या फिर वो कैसे अपना काम करते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं हम यहाँ पर। तो देखो, इसमें रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटिबल पोलन, रिकॉग्नाइजेशन ऑफ कंपेटिबल पोलन, इट इज इंट्रैक्शन बिटवीन केमिकल कंपाउंड ऑफ पोलन एंड दोज ऑफ स्टिग्मा। कहने का मतलब ये है कि पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन क्या है एक्चुअल में, कि जो कंपेटिबल पोलन, कंपेटिबल का पोलन का मतलब राइट टाइप का जो पोलन ग्रेन है, उसी स्पीशीज का जो पोलन ग्रेन है, स्टिग्मा के ऊपर जब गिरेगा तो वहाँ वहाँ पर उन दोनों के बीच में कुछ केमिकल कंपोनेंट्स जो हैं उनका इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, फिर इसने बोला है पोलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पोलन, कंपेटिबल पोलन ऑफ द सेम स्पीसीज एज द स्टिग्मा। अब पोलिनेशन जो हो गया है, उस पोलिनेशन जो हो रहा है उसमें इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि जो पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा वो बिल्कुल उसी स्पीशीज का है, सेम स्पीशीज का है, जैसे कि सेम स्पीशीज की जैसे स्टिग्मा है वैसा ही है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मधुमक्खी को थोड़ी पता है, बी को पता ही नहीं कि भाई ये जैसे कि मैरीगोल्ड का, जो मैंने कल भी बताया था कि मैरीगोल्ड का जो पोलन ग्रेन है वो रोज के ऊपर गिर रहा है, तो उसको इस बात का थोड़ी पता है कि भाई ये मैरीगोल्ड का पौधा है या मैरीगोल्ड का फ्लावर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिल्कुल गारंटी नहीं है। ऑफन और प्राय ये देखा जाता है पोलन ऑफ द रोंग टाइप, पोलन जो दूसरी स्पीशीज का है, आइदर फ्रॉम अदर स्पीशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट। देखो, अदर स्पीशीज से है तो भी वो इनकम्पिटेबल है, और यदि सेम प्लांट से है, जैसे एक कल भी बताया था सेल्फ इनकम्पिटेबल जो प्रोसेस बताया था, सेम प्लांट से है तो भी वो जो है उसमें जो है रोंग टाइप का ही कहलाएगा, और स्टिग्मा उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करवाएगी। ये लैंड तो करते हैं स्टिग्मा के ऊपर, लेकिन स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट नहीं होते। तो पिस्टिल जो हैज़ द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द पोलन, पिस्टिल के अंदर एबिलिटी होती है टू रिकॉग्नाइज द पोलन, पोलन ग्रेन्स को रिकॉग्नाइज, पहचानने की वेदर इट इज़ द राइट टाइप, ये राइट टाइप का है कंपिटेबल, राइट टाइप का होगा कंपिटेबल है, और ऑफ द रोंग टाइप, तो रोंग टाइप को कौन सा होगा इनकम्पिटेबल। ठीक है, और यदि ये रोंग टाइप राइट टाइप का है, यदि पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है, तो पिस्टिल जो है वो क्या करेगी, एक्सेप्ट द पोलन, पोलन ग्रेन को एक्सेप्ट करेगी एंड प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पर इसने एक बात बोली, प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट कौन सी होती हैं, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट वो होती हैं जो पोलिनेशन के बाद की होती है, जैसे कि पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होना, पोलन ट्यूब का ओव्यूल्स तक पहुँचना और वहाँ पर मेल गैमिट जो है वो रिलीज होना, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो है उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होना, फिर ठीक है डबल फर्टिलाइजेशन होना, तो ये जो सारी प्रोसेस हैं जो कौन सी हैं, ये पोस्ट पोलिनेशन इवेंट दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। ठीक है, और यदि पोलन जो है, इफ द पोलन इज द रोंग टाइप, यदि पोलन ग्रेन गलत है, रोंग टाइप का है, तो पिस्टल रिजेक्ट द पोलन, पिस्टल क्या करेगी, पोलन ग्रेन्स को रिजेक्ट करे बाई प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन ऑन स्टिग्मा, पोलन जर्मिनेट नहीं होने देगी स्टिग्मा के ऊपर, और पोलन ट्यूब की ग्रोथ भी नहीं होगी, इन स्टाइल ऑन स्टिग्मा और द पोलन ट्यूब ग्रोथ इन स्टाइल। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ द पिस्टल टू रिकॉग्नाइज द पोलन फॉलोड बाई इट एक्सेप्टेंस ऑफ रिजेक्शन इज द रिजल्ट ऑफ ए कंटिन्यूस डायलॉग। कहने का मतलब ये है कि जो एबिलिटी है पिस्टल की, कि भी पोलन ग्रेन को पहचान सकती है, उसको फिर पहचानने के बाद वो एक्सेप्ट कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, वो किसका रिजल्ट है, वो रिजल्ट है कंटिन्यूस डायलॉग का। कंटिन्यूस डायलॉग का मतलब होता है केमिकली आइडेंटिफिकेशन, केमिकली आइडेंटिफिकेशन होगा यहाँ पर। ठीक है, और आपको मैं एक क्लियर बात यहाँ पर कर देता हूँ कि जैसे कि केमिकल इसमें हम यदि बात करें तो कैल्शियम जो आयन है वो देखे जाते हैं, और 50 अबाउट 50 टाइप्स की जो प्रोटीन्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। अगर प्रोटीन मैच करती हैं तो ही वो एक्सेप्ट करेगी स्टिग्मा उसको, पोलन ग्रेन्स को नहीं तो रिजेक्ट, एक भी अगर प्रोटीन एक्सेप्ट सॉरी मैच नहीं हुई तो वो उसको रिजेक्ट कर देगी।
ठीक है, जो डायलॉग है इज मेडिएटेड बाय केमिकल कंपोनेंट ऑफ द पोलन इंटरेक्टिंग विद दोज ऑफ द पिस्टिल। तो ये केमिकल कंपोनेंट से बना होता है, ठीक है, और जो पिस्टिल के साथ, जो पोलन और पिस्टिल के दोनों के मैच होने जरूरी हैं। फिर आगे बोला है इसने, इफ द कंपेटेबल पोलिनेशन आकर, यदि अच्छी प्रकार से पोलिनेशन होता है तो पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट करेगा, ठीक है, स्टिग्मा के ऊपर, और प्रोड्यूस करेगा पोलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर। हमें पता है कि जर्म पोर प्रेजेंट होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर। देखो मैंने आपको बताया था पोलन ग्रेन्स का जब डायग्राम हम स्टडी कर रहे थे तो उसमें दो लेयर होती हैं, एग्जाइन और इंटाइन। तो एग्जाइन जो है वो टफ लेयर होता है जो स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, और जो इंटाइन है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो आपने, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि एग्जाइन जो है वो सराउंडेड, पूरी तरह से सराउंडेड नहीं होती, एक जगह वो बिल्कुल अब्सेंट होती है, ठीक है। और वहाँ पर जब अब्सेंट होती है एग्जाइन, तो वहाँ पर क्या होता है, एक पोर होता है जहाँ से वो प्रोट्रूड करके पोलन ट्यूब बाहर निकलती है, उसको जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी ये बात। आगे देखिए, द कंटेंट्स ऑफ पोलन ग्रेन्स मूव इन टू द पोलन ट्यूब। तो जैसे ही जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनेगी, और पोलन ट्यूब बनने के बाद जो है वो कंटेंट्स जो है पोलन ग्रेन्स के, वो पोलन ट्यूब के अंदर चले जाएंगे। अब देखो इस डायग्राम में देखेंगे यदि आप, तो मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको, जैसे कि देखिए इस डायग्राम में, देखिए इस डायग्राम में बाहर जो है ये है एग्जाइन लेयर, ठीक है, और ये अंदर जो है इसके इंटाइन लेयर है, ठीक है। तो जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर जाके गिरेगा, तो पोलन जो स्टिग्मा है उसको उसको पता चलेगा कि राइट टाइप का पोलन ग्रेन है, तो वो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, वाटर प्रोवाइड करवाएगी, जिससे क्या होगा कि इसका साइटोप्लाज्म जो है वो ग्रो करेगा। और साइटोप्लाज्म ग्रो करेगा तो जो वो इंटाइन है वो जैसे ग्रो करते ही इसका साइज बढ़ेगा, क्योंकि एग्जाइन तो टफ लेयर है, ठीक है। तो जैसे इसका साइज बढ़ेगा तो जो जर्म पोर है वहाँ से ये प्रोट्रूड होनी शुरू हो जाएगी बाहर की तरफ, और ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन हो जाएगी। अब मैं इसमें, अब हमने एक बात देखी थी पोलन ग्रेन्स के डायग्राम में, कि पोलन ग्रेन्स जो हैं उसमें जब वो इसे एंथर से रिलीज होता है, एंथर से रिलीज होने से पहले ही उसमें एक माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे कि जो माइक्रोस्पोर है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है, वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उससे दो सेल बनती हैं, एक तो जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव। ये ऊपर वाली जनरेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल है, ठीक है। तो वेजिटेटिव सेल जो है, ये जो है ये टू सेल्ड कंडीशन हो गई जब वो इससे रिलीज हुआ है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं, जो वेजिटेटिव सेल है इसका जो न्यूक्लियस है वो काम करेगा एज ए ट्यूब न्यूक्लियस, ट्यूब न्यूक्लियस की तरह काम करेगा वो, ठीक है। और जबकि जो जननेटिव सेल है वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करेगा। अब जैसे इस पोलन ट्यूब में इधर देखो, ये तो ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। ये ट्यूब न्यूक्लियस जो है इसको आगे, जैसे कि जो स्टाइल है, जैसे कि मान लो स्टाइल अंदर से सॉलिड है, तो वहां पर बढ़ता हुआ उसके अंदर से उसको पेनिट्रेट करता हुआ ओवरी तक पहुंचेगा, ठीक है। फिर ओव्यूल तक पहुंच जाएगा ये, ठीक है। और धीरे धीरे डिजनरेट भी होना शुरू हो जाएगा ट्यूब न्यूक्लियस। और पीछे जो है इसकी जो वेजिटेटिव, सॉरी जननेटिव सेल है, जननेटिव सेल आपको याद रखनी है कि जननेटिव सेल पहले ही डिवाइड नहीं होती। जननेटिव सेल जब ट्यूब न्यूक्लियस, सॉरी ट्यूब के अंदर चली जाती है, पोलन ट्यूब के अंदर चली जाती है, तब वो जाके डिवाइड होती है मेल गैमेट में और फीमेल गैमेट में। तो एक बात याद रखनी है, तो पहला माइटोटिक डिविजन जो हुआ था वो पोलन ग्रेन रिलीज होने से पहले हुआ था, ठीक है। और अब जो दूसरा डिविजन हो रहा है, मेल गैमेट जो बन रहे हैं, दो मेल गैमेट जो बन रहे हैं, वो जननेटिव सेल का हो रहा है, किसमें, पोलन ट्यूब के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये प्रक्रिया होती है यहाँ पर, ऐसे पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। और इसमें जो है पोलन ट्यूब के जो टिप है, पोलन ट्यूब की जो टिप है इसके ऊपर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो सोलिडिफाई, जो मान लो स्टाइल है उसको, उसके अंदर से उसको पेनिट्रेट करते हैं। तो एंजाइम कौन से होते हैं, पेक्टिनेज और सेलुलेज एंजाइम, दो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब इसमें देखें आगे, अब देखें इसमें, कंटेंट्स ऑफ द पोलन ग्रेन्स मूव इन टू द पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब ग्रो थ्रो द टिश्यू ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रिच टू द ओवरी। एंजाइम प्रेजेंट एट द टिप ऑफ पोलन ट्यूब, एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं टिप के ऊपर पोलन ट्यूब के ऊपर, पेक्टिनेज और सेलुलेज होते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पोलन ग्रेन्स आर सेड एट टू सेल्ड कंडीशन, जो पोलन ग्रेन्स हैं
वो दो सेल्ड कंडीशन में 60% जो प्लांट हैं उनके अंदर पोलन ग्रेन जब रिलीज होगा एंथर से, तो वहाँ पर 60% जो प्लांट हैं उनके अंदर टू सेल्ड कंडीशन पाएंगे, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरी जनरेटिव सेल, ठीक है। और इन प्लांट्स में जो जनरेटिव सेल है वो बाद में डिवाइड करेगी पोलन ट्यूब के अंदर आके एंड फॉर्म टू मेल गैमेट ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं, 40% प्लांट ऐसे हैं जिनके अंदर थ्री सेल्ड कंडीशन होती है, पोलन ट्यूब की कैरी द टू मेल गैमिट, वो ऑलरेडी पहले से ही जनरेटिव सेल जो है पहले से ही मेल गैमिट प्रोड्यूस कर देती है, तो थ्री सेल्ड कंडीशन उसके अंदर होती है, ठीक है। पोलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, जब पोलन ट्यूब रीच ओवरी तक पहुंच जाएगी तो इंटर द ओव्यूल थ्रू माइक्रोपाइलर एंड, तो माइक्रोपाइल जो एंड है वहां से एंट्री करेगी क्योंकि वहां पर सिनर्जिड प्रेजेंट है, ठीक है। तो वहाँ पे एक जो सिनेजर्ड है उसके अंदर एंट्री करेगी थ्रू द फिलीफॉर्म अपरेटस। फिलीफॉर्म अपरेटस कैसे थी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट थी, ठीक है। तो फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट जो है माइक्रोपाइलर पार्ट के ऊपर, तो सिनर्जिड का काम होता है गाइड करना, क्योंकि सिनर्जिड के ऊपर जो केमिकल प्रेजेंट होते हैं वो पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि इधर आपको आना है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। तो एक बात याद रखनी, यदि पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर एंट्री करती है तो उसको पोरोगैमी बोलते हैं, और यदि पोलन ट्यूब चलेजल एंड की तरफ से एंट्री करते हैं उसको चलेजोगैमी बोलते हैं। तो इसका एग्जाम्पल प्लांट कौन सा है, कैश्यूरियाना, ठीक है, कैश्यूरियाना नाम का प्लांट जो है उसके अंदर ऐसा होता है। और यदि पोलन ट्यूब एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर इंटेग्यूमेंट्स या फनिकल से, इंटेग्यूमेंट्स और फनिकल से एंट्री करती है तो उसको हम बोलते हैं मीजोगैमी। क्या बोलते हैं उसको, मीजोगैमी। तो ये जितनी भी इवेंट्स हैं पोलन डिपोजिशन से स्टिग्मा तक और पोलन ट्यूब एंटर हो गई ओव्यूल तक, तो ये सारी जो इकट्ठी हैं इनको क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टल इंट्रिक्शन, ठीक है, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो ये आपका आज का टॉपिक था, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो आज के लिए आपका इतना ही है, बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट करें, लिख लें, इसको नोट्स बना लें अपने, ठीक है, और याद करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे।